तो यादों का पिटारा खुल चुका है, शगन आप देख चुके हैं, आज वेडिंग देखेंगे। वेडिंग ना देखो गाइस, आज के टाइम में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। लोगों को लगता है सिर्फ फेरी टेल रोमांस है, बट ऐसा नहीं है। शादी के बाद बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस, बहुत सारी कमिटमेंट्स, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है। ये देख रहे, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है भाई साहब, इसको मैंने संभाल के रखा है ऐसे करके। देखो आज की जनरेशन जो भी सोशल मीडिया पे देखती है ना, वो सिर्फ एक एस्पेक्ट होता है। हम भी अच्छी अच्छी फोटोज डालते हैं, बट यू नो इतनी लड़ाई, इतना प्यार, मोहब्बत, इतनी सारी चीजें होती है ना शादी में। मतलब मैं आपको ज्ञान देना चाहती हूँ, मैं समझाना चाहती हूँ कि हम लोगों को इस रिलेशनशिप को बहुत नर्चर करना पड़ता है और दो दो नई नई फैमिलीज को साथ में लेके चलना पड़ता है। तो हमें दैट्स रियली वेरी टफ एंड दैट्स रियली वेरी ट्रू। तो हमेशा सिर्फ ये नहीं सोचना चाहिए कि हाय शादी करके घूमने जाएंगे, एंजॉय करेंगे। शादी में ना लड़की के सर पे भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, लड़के के सर पे भी बहुत होती है। आई अग्री, सिर्फ लड़कियां ही नहीं होती जिन्हें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, क्योंकि आप एक न्यू फैमिली में जा रहे हो ऑफ कोर्स, बट लड़कों के लिए भी बड़ा मुश्किल होता है। अरे यार बहुत ज्ञान बांट लिया, चल अपनी वीडियो देखते हैं क्या हुआ था उस दिन। चलो Let's start! Oh boy, the making of a bride. धना धन, मेकअप पे मेकअप। और गाइस ये वीडियो ना मैंने कंपाइल करी इतने इतने पीसेस लेकर के। यार सीरियसली ये देख रहे हो मेरे को, तो मैं कितनी क्यूट लग रही हूँ। मैंने आज तक इतना हैवी मेकअप कभी नहीं करा। एक्चुअली मैंने शादी में भी बोला था कि मुझे एकदम लाइट और अच्छा प्यारा सा मेकअप करना, तो आई एम रियली हैप्पी देख के। मुझे लग रहा है तेरा ये बड़ा अच्छा लग रहा है यार, ये मैं नोटिस अब कर रहा हूँ बताए। ओए होए होए, ये देख दूल्हे का सेहरा। तूने शादी में मुझे नोटिस नहीं किया? याद ही नहीं कुछ, एक्चुअल में कुछ याद नहीं रहा। आप देख रहे हो इसके लिए लड़कियां लगी हुई थी कोई मेकअप, यहाँ बेचारा देखो मैं अकेला दूल्हा लगा हुआ है। मैंने कपड़े अपने आप प्रेस करे, अपने आप पहने, ये जादू मेकअप नहीं, जादूकर वाली ड्रेस तूने सिलेक्ट कर इसने ही सिलेक्ट करवाई थी। ओ हेलो, झूठ बोलता है। ये देख रहे सेहरा तू मेरा, गोल्डन और रेड। ओए जादूगर में जादूगर, उस टाइम यही चलता था और बहुत तगड़ा लगा। ये मेरे को ना शौक था ऐसे गुंडा, मतलब अजीब तरीके से बनने का ना, एकदम गुंडा ही बनना था। वो जो घोड़े पे चलते हैं क्या गुंडा बनेगा रे तू? और मुझे समझ आ गया खुदा ऑफिस वाला जो था ये। फिर एक बंदा आया जिसने कहा चल मैं तेरे पे सेंट मार दूं भाई। हाय यार तू तो बड़ी गजब लग रही है यार। थैंक्स यार, तूने मेरे को शादी पे तो ऐसा बोला नहीं, बट अभी बोल रहा हूँ तो मुझे कुछ अच्छा याद। इतने सही शॉट, मुझे लग रहा है कैमरामैन तेरे वाला ज्यादा बढ़िया था। मेरा तो गोल घुमाया, शेरवानी बनाई, क्या भगवान यहाँ से क्या सीन्स कैप्चर करे यार। मेरे को कितना अच्छा लग रहा है ये वीडियो देखने के बाद भाई, अल्टीमेट। ठीक है यार अच्छा लग रहा है, पर शर्म भी आ रही है। ये क्या दिखा रही है? चांद छुपा बादल में, यार वो होते हैं ना सिनेमैटिक शॉट्स, अपना चूड़ा दिखाओ, अपने कलीरे दिखाओ। काश इसने वीडियो बना के दे दी होती। मुझे पंजाबी कल्चर का सबसे अच्छा चूड़ा और यही लगता है, कलीरे वगैरह जो होते हैं ना। हाय हाय हाय, पैनोरमिक और एकदम जबरदस्त सारे शॉट्स। अरे भाई घूम, यहाँ तो गोल नहीं घूमा रहे, खुद ही गोल घूम रहे। यही करने आई थी क्या तू? इनको पता है कि भाई लड़की के लिए आज बहुत लंबा दिन होने वाला है, तब भारी लहंगा पहन के। चुनरे चुनरे लालगंज से, लाल बाग से लाल चुनरिया लाई, चुनरे चुनरे। अब ये तो मैंने सिलेक्ट किया था लहंगा। हाँ ये लहंगा हर्ष ने सिलेक्ट किया था, ये सीटीसी से लिया था हमने, मम्मी मैं और हर्ष, हम तीनों ने सिलेक्ट किया था ये लहंगा। मेरे हाथों में नौ नौ चूड़ियां, बड़ी अच्छी फ्रेमिंग करी है। यार तो ज्यादा शॉर्ट्स हो गए, फास्ट फॉरवर्ड करो। कौन आ रहा है? शहनाई वाले अंकल। ये मैं आने वाला हूँ, कितनी एक्साइटमेंट है इसको अपनी एंट्री की। ये देख रहे क्या तैयार, हाय 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 हाय, पेट पे क्या, ये मैं चढ़ गया घोड़ी पे एंड ये सरवाला बैठ गया। ओ भाई गाइस, ये सरवाला भी आजकल हमारा कैमरा कभी कभार हैंडल पे। इतने बड़े बड़े हो गए यार 7 साल में, सर से ऊपर निकल गए हमारे, और कितनों से थे यार ये सब। सही में, और ड्रेस बड़ी मैचिंग पहनी हुई है तुमने जादूगर वाली। जादूगर में जादूगर, फुल ऑन एनर्जी बरातियों की। ये मैंने मिस किया था शादी वाले दिन, सीरियसली शादी का दिन लड़की के लिए सबसे बोरिंग दिन होता है, क्योंकि उसको डांस करने को नहीं मिलता यार। टोटली एग्री, लड़की के लिए नहीं, लड़की के जितना भी होता है ना रिलेशन, सारे परिवार वालों के लिए सबसे बोरिंग डे होता है। यार मैं मजाक नहीं कर रही, इतना मन करता है ना उछल उछल के डांस करे, और जो सबसे तो बारात का फन होता है। मैं, मुझे तो पता ही नहीं लगा कब ये लोग आ भी गए, इतनी जल्दी आ गए थे यार, मैं तब तक तैयार भी नहीं हुई थी। पागलों की तरह डांस हो रहा होता है, और लड़की की साइड क्या हो रहा होता है, बस लोग आ रहे होते हैं, मिल रहे हो, चाय पी लो कॉफी पी लो। मेरी मम्मी तो बेहोश हो गई थी, इतना उनको पैनिक अटैक आ गया तुम्हें देख। अच्छा ऐसे बराती देख के पहने भाई, सही भाई, तुम भूतों की बरात आई थी क्या? ऐसे मत बोल। ये देख ये मेरे सारे दोस्त आए थे, सीरियसली बता रहा हूँ गाइस, थैंक यू ऑल, जो जो मेरी शादी में आया था सारे पंजाब से, जहाँ से। और ये देखिए मेरे मामा जी का डांस। इनके खासियत है नागिन जो डांस होता है ना, ये नागिन, पीपरी चलती इनका नागिन डांस आ जाता है। ये देख तुम्हारे यहाँ क्या हो रहा है?
तुम्हारे यहाँ सबसे बोरिंग, सबको बस ऐसे बुला रहे हो, फोटोज खींचो ऐसे खड़े। लड़कियों की साइड तो बस यही चल रहा था, आइए मेहमान नवाज। अच्छा मेरे जादूगर कपड़े तो तुम्हारे क्या है, देखियो नोनू ने क्या पहना, अब्बू ने क्या पहना। पर तू देख हमारे मम्मी पापा चाचा वगैरह की थीम कितनी सेम है, ब्लू कलर। नोनू ने रेड क्यों नहीं पहना ये बता बस तू। उसको ब्लैक अच्छा लगता है इसलिए, वैसे उसका फेवरेट कलर बचपन में रेड था, आई डोंट नो ब्लैक ही था। क्या बात है, क्या ऐसे लग रहा है रथ ही गिर जाएगा। ये देख तू भाई, रथ छोड़ पूरी रोड ही तोड़ देंगे आज तो। ये भाई है मेरा, कह रहा मैं ढोल आज तेरा भाई बजाएगा। भारत कह रहा है मैं सब तोड़ फाड़ दूंगा। ओह मुंह में पैसे दो, मुंह में पैसे ना, पैसे लेके नाचेंगे 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 नाचेंगे। और यहाँ पे बहने रेडी खड़ी है, सालियां खड़ी है। जीजू आ जाओ आ जाओ, मैंने कहा रुको थोड़ी देर, वेट करो, रुको जरा वेटिंग करो। और ये गेट पे बारात आ चुकी है भाई, ये बंदे अंदर ही नहीं आना चाहते, कह रहे हैं बस हमें नाचने दो। मेरे को याद है नोनू वगैरह पहले लेने आए थे, मेरे भाई ने उतर नहीं दिया, भगा दिया। मैं कह रही हूँ डिसरिस्पेक्ट। ये आ गया फिर नोनू, अब आए हैं मेरे भाई, ये मेरे सारे कजन भाई हैं और नोनू भी है। ये मामा है मेरे। चलो हर्ष जी कह रहे हैं आप फाइनली एंट्री का टाइम हो गया, चलो यार बस करो। एंट्री पे पता है इतनी भसड़ हुई थी ना, याद आ गया मुझे सब कुछ। 1,000 रुपया नहीं दिया था तूने एंट्री पे, 1,00,000 रुपए मांग रहे थे भाई, 1,00,000 रुपए। तो ठीक है उनकी बहन की कीमत तो अनमूल्य है ना, 1,00,000 रुपए मांग लिया तो कौन से तेरे खजाने में। अबे उनको देने चाहिए थे, एक तो उनकी भला में लेके जा रहा हूँ अपने सर, उनको मेरे को देने चाहिए थे कि लो आप खुश रहना, कभी तकलीफ हो तो इससे अपना काम चला लेना। कट कर दो भाई, इतनी भसड़ हुई थी, इतनी गर्मी लग रही थी, इतना बड़ा वो साफा सा पहना हुआ था मैंने, शेरवानी इतनी उतारी जा रहा है, उतारी जा रहा है, मेरे चुप रहा था यार यहाँ पे, मेरे को अब याद आ गया सच में। तो कंफर्टेबल कपड़े पहनने थे ना, अबे तो ऐसे ही पहनने पड़ते हैं भाई, शादी थी वो मेरी, मेरी हमारी, हमारी ले ले यार, हमारी ले ले। और फिर ये अंदर एंट्री होते, डांस ही नहीं रुक रहा भाई, इनका डांस ही रुक रहा, मुझे जेलसी हो रही है देख देख। ये गाना क्यों चलाया था कि दूल्हा वो फंस गया देखो ये बेचारा, क्योंकि ऐसा होता है 4 दिन यार। हाँ बात, 4 दिन हमारी तो 1 दिन की चांदनी भी नहीं थी, क्यों इतना दुखी किया इसने शादी के बाद से। ओ भाई तेरी एंट्रेंस, भाई मेरी एंट्रेंस तो कुछ भी को रॉयल, मेरी तो और भी रॉयल थी, देख रहा मेरे फूलों की चादर और मेरे कितने सारे भाई मेरे कजिन्स। यार ये बड़ा फन आता है जो फैमिली में, शादी में सारी फैमिली इकट्ठे होके ऐसे फिर एंट्री कराती है ना, उसका फन ही अलग है। सब कितने लंबे लंबे भी है ना। हाँ मेरी फैमिली में सब बड़े लंबे लंबे हैं। और इसके यार ये कितनी क्यूट पिक्चर है यार, मेरे दोनों भाई कितने प्यार से ऐसे, कितने खुश है, इतना प्यार मुझसे अब क्यों नहीं करते मन से, पता है कितने खुश है ये। ऐसा नहीं है, मुझे बहुत मिस करते। ये देख पोज, ओ भाई तेरी स्माइल। और वो मैं बस यही सोच रही थी कोई रोटेशन मत कर देना, मुझे समझ नहीं आया था वो धरती एकदम फटी और ऊपर ले गया, और ये हमारी जयमाला होगी पर हमारे पास उसकी क्लिप ही नहीं थी, तो काम चलाया ऐसे। और फिर डांस शुरू हो गया, अभी मुझे अच्छा लग रहा है, पर लहंगा इतना हैवी था कि मुझसे डांस भी नहीं कर रहा था। ये सारे मेरे दोस्त वो मैं कर ही नहीं पाई आज, आई वॉज लाइक कि नहीं आज मुझे थोड़ा कम डांस करना है, आज मैं नहीं कर पाऊंगी, सुबह तक जागना था यार। फिर हुआ क्या, आई थिंक 10-11 बजे का रूल होता है उसका डीजे बंद हो जाता है, बट मेरे दोस्त आए हुए थे अमृतसर से, उन्होंने कहा डीजे बंद हो गया तो क्या हो गया, हमने डीजे पर डांस करा ही नहीं। भाई पंजाबियों की टोर वखरी होती है, पंजाबियों पाई फिर जनरेटर पे डांस कर लेते हैं। नचे यार मुल्ले वे, मैं कह ही रहा हूँ यार दोस्तों की बात ही अलग होती है यार। यार सीरियसली वो दिन था, 7-8 साल हो गए उसके बाद हम में से कोई दोस्त नहीं मिले, सारे एक साथ गैदर ही नहीं हुए, दैट वाज द फर्स्ट एंड द लास्ट टाइम जब हम सब एक साथ गैदर हुए थे। और ये सिनेमैटिक शॉट, फैमिली शॉट, स्माइल करो, फेक स्माइल करो, कैंडिड स्माइल करो। माला भी बड़ी अच्छी थी यार अब देख रहा हूं मैं, ऑर्किड्स की बनी हुई थी, मैंने स्पेशली बोला था स्पेशली कि मेरे को ऑर्किड्स वाली चाहिए। बहुत सुंदर थी ये, कंप्लीट फैमिली पिक्चर। मेरे मम्मी पापा, इसके मम्मी पापा, मेरे मम्मी पापा से घबराए हुए ज्यादा, तो तेरे मम्मी पापा लग रहे हैं कल बहू आई कैसे उसका स्वागत करना है घर में। मेरी मम्मी को कुछ नहीं पता, मम्मी सोई पड़ी थी, कह रही थी मैं सो गई थी 12 बजे। मेरी मम्मी शादी में सो भी गई थी। नोनू तो ऐसा लग रहा है अभी सो जाएगा। अबे तेरे को कुछ याद है इस फोटो को देख के? नहीं। अबे ये वही फोटो है तेरे घर पे जो लगी हुई है ड्राइंग रूम में? सही पकड़े हैं, यही वो फोटो है। और ये दूल्हा दुल्हन के प्यारे प्यारे पोज, चांद छुपा
कहते हाथ में लिखो यार, तूने मेरा नाम नहीं लिखवाया था ना मेहंदी में। अच्छा क्यों नहीं लिखवाया था? नहीं, मुझे मिला ही नहीं था। कितनी डार्क मेहंदी चढ़ी थी, गुच्चड़ मुच्चड़ है, कुछ दिख भी नहीं रहा। क्योंकि मेरे हाथ इतने छोटे हैं यार, बेबी हैंड्स, इसलिए मैं मेहंदी लगवाती। ये पता है हम कुछ भी बोल रहे थे करके हंसना है, बस स्माइल करना है। मैं मैम अपनी रियल फीलिंग्स बताती हूँ। मेरे को सुबह के 4 बजे तक तो कुछ पता नहीं लगा कि हो क्या रहा है मेरे साथ, पर जब 4 बजे और जब एक्चुअल में विदाई का टाइम आया ना, उसके बाद जो मेरी हालत खराब हुई, वो मेरे को मम्मी पापा को छोड़ के जा रहा है। ये देखो घूमर यार, अगर ये वीडियो बना के देता ना, उसने कुछ अलग करा था, कह रहा था ये घूमेंगी आप इसके आगे पीछे चलना, मैं कुछ अलग कर दूंगा, पर कुछ कर ही नहीं पाया ना वो भाई। और ये मेरे जूते चुराए गए, मुझे गोदी में उठा के, मेरे शरीफ था, मैंने कहा ले लो यार, क्या फर्क पड़ता है, इसको गोदी में उठा लिया और इसके जूते चुरा लिए। ये अलग तरीका था ना वैसे, ये अच्छा तरीका है यार, किसी बड़े पहलवान बंदे को हमेशा ऐसे करना चाहिए। और फाइनली हमारा टाइम आ गया यहाँ पे फेरों का टाइम, और मेरी हालत देख सकते हो आप यार, बहुत नींद, तू पता कितनी झपकियां मार रही है, मैं बहुत सो रही थी भाई, मेरे को नींद आ रही थी एक्चुअल में। ये एक इमोशनल सीन, कन्यादान होता है ऐसे पकड़ के ना, कुछ होता है ना, पापा करते हैं। मुझे नहीं देखा, और फिर ऐसे इन्होंने मेरे, अब तेरा हाथ फिर मेरे हाथ में दे दिया था ऐसे करके, कि लो संभाल लो अपनी बला को। अब खुशी देख पापा के मुंह पे अपने। ये देख स्माइल, पापा बहुत खुश होंगे कसम से, पापा को सबसे ज्यादा खुशी होगी कि गई बला मेरी। हमारे पंडित, मतलब जो इनके पंडित उन्होंने बुलाए थे, बड़े सही थे यार, बहुत अच्छा पंडित था। क्या क्या मतलब समझा रहे थे, एक एक बात, एक एक मंत्र उन्होंने इतने प्यार से समझाया ना हमें, कि मतलब बेटा शादी के बाद ऐसे होता है वैसे होता है। और फिर अग्नि को साक्षी मानकर हमने लिए 17 फेरे वो 7 फेरे। और ये मैंने नई चीज देखी, उन्होंने वो लाइने बना दी, कह रहे 7 फेरे ले लिए बस, मैंने कहा चलो खत्म हुआ, हटाते रहो, एक एक वचन कबूल है तो उसको मिटाते रहो यार। काफी बंदे बैठे हुए थे हमारी शादी में एक्चुअल में, सब लिटरली। और यहाँ शादी संपन्न हुई, एक बार घर गए हम विदाई के लिए, और प्रेरणा ने थोड़े झूठे मूठे नाटक के आंसू बहाए, झूठ, मैं बहुत रोई थी यार, मेरे को पता है मम्मी कितना रोई थी, मम्मी और ये तीनों ने तो ऐसा बुरा हाल कर दिया मेरा, मतलब ऐसे किसी डाकू को भेज रहे हो लड़की है। सच में मेरे को हंसी आ रही है, मेरे को एक बार फील हो रहा था इसको कहूं कि यार घर ही रहने दे, बहुत कैसे हो रही है, मैं बार बार बोल रहा हूँ प्रेरणा कैमरा में फोटोज गंदी आएंगी भाई, तो मैं तो इतनी टायर्ड, इतना थक चुकी थी ना, ये देख मैं ऐसे रो रही हूँ जैसे पता नहीं मेरे को अगवा करके लेके जा रहे हैं यहाँ से। बस एक वो दिन था आखिरी जब ये रोई थी, उस दिन के बाद से सिर्फ मैं रोया हूँ, उसके बाद से सिर्फ मैं। वो देख अब्बू कितना खुश है, बंद करो, मुझे नहीं देखना। सब रो दिए भाई, चाची चाचा सब रुला दिया मैंने, मैंने कहा लेके जाओ रहने दे रो। कितने बंदे खड़े हैं सुबह के टाइम यार, सोच पूरा कितना प्यार है मुझसे, पापा भी दिख रहे हैं, पापा भी आज तो बड़े इमोशनल दिख रहे हैं। और गाइस इसी के साथ यहीं पे बस ये बंद करते हैं शादियों का पिटारा, बस वो जो डोर बड़ों ने मिलके बांधी उसको हम लेके चल रहे हैं आगे तक, संभालेंगे। एक्सपेक्ट नहीं करी थी हर्ष ऐसी कोई इमोशनल सी भारी लाइन देखे मारेगा। चलो एनीवे गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, और गाइस बहुत अच्छा लगा आपके साथ ये वीडियो शेयर करके, अगर आपको अच्छी लगी तो डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ बिग थम्स अप, और एम करते हैं 5 लाख लाइक्स आ जाए, फिर कोई और पार्ट बनेंगे, फिर एक और शादी करेंगे। साथ में बाय बाय।